हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवरी गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी 2020 के एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करेंगे। पूरा वीडियो देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक भी डाउट नहीं रहेगा कि कैसे क्या होगा, प्रिसाइज वे में मैं बात करूंगा। दोस्तों, उससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो आता है हमारा होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, सबसे पहले तो आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज में आपको पूछा जाएगा वो आपका नाम पूछा जाएगा, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो भी आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट में या जो भी बोर्ड का सर्टिफिकेट उसमें जो नाम है वही आप फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ ये भी यहाँ पे पूछा जाता है। आइडेंटिफिकेशन टाइप आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इंडियन नेशनलिस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स, टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल आईडीज यहाँ पे दी हुई हैं, आधार कार्ड दिया हुआ है, इलेक्शन कार्ड दिया हुआ है, राशन कार्ड दिया, बहुत सारा इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। फॉरेन नेशंस के लिए पासपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड, आधार नंबर चाहिए, लास्ट फोर डिजिट। दोस्तों, इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल, मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे कि मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, वो भी एक्टिव होनी चाहिए। इसके अलावा आप पोस्टल एड्रेस पूरा पिन कोड के साथ में डालेंगे, ये रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप में ही सारा कुछ होगा। और दोस्तों, सेकंड स्टेप हमारा क्या आता है, सेकंड स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन के बाद। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या आता है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है वहाँ पे। तो स्टेप वन में जो भी आपने डिटेल डाली है वो तो आपको फ्लैक्चुएट होगी। कैटेगरी इसमें फिलअप करना पड़ेगा कंप्लीट डिटेल में, आप एस सी एस टी या ओ बी सी एन सी एल किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, और ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं वो भी आप फिलअप करेंगे। नेशनैलिटी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, इंडियन है, एन आर आईज हैं, स्टेटस स्टेट या यूटी कोड, यूनियन टेरेटरी के हैं तो यूनियन टेरेटरी कोड ये आपको दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। पी डब्ल्यू डी स्टेट बेसिकली फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टेट्स है। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी मीन्स किस सिटी में आप चॉइस करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, वो आपको बताया जाएगा। और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आप फिलअप करेंगे, इंग्लिश अगर फिल करते हैं आप तो केवल इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और रीजनल लैंग्वेज जैसे उड़िया, मराठी या बंगाली किसी में भी और में करते हैं तो इंग्लिश आपका एडिशनल एक ट्रांसलेशन आपको मिलेगा। एकेडमिक डिटेल्स आपका 10th, 11th और 12th की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट्स जैसे हैं मीन्स कोड 2 से लेकर कोड 7 तक जिस तरह से आपका डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की भी बात होगी, माइनॉरिटीज़ हैं कि नहीं है, डिटेल ऑफ फादर, गार्जियन, मदर आप देंगे इसके हिसाब से। ये तो रहा, दो स्टेप तक आप ये प्रोसेस करेंगे। थर्ड स्टेप आपका क्या कहेगा, थर्ड स्टेप कहता है अपलोडिंग ऑफ स्कैंड इमेज, मीन्स यहाँ पे आपको फोटोग्राफ स्कैन करके पेस्ट करनी पड़ती है। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी होगी 10 KB से लेके 200 KB तक, मीन्स 10 KB मिनिमम हो सकता है, 200 KB मैक्सिमम हो सकता है, उसके ऊपर ना उसके नीचे आप जाएंगे, इसके बीच में ही आपका फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो होगी आपकी 4 इंच × 6 इंच के साइज में होगी, और जो आपका साइज होगा वो 50 KB to 300 KB, दो फोटोज यहाँ पे मांग रहे हैं, एक पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरी पोस्ट कार्ड साइज फोटो, दोनों का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। जो फोटोग्राफ आप लेंगे वो 1 सितंबर के बाद आप लेंगे, मीन्स पुरानी फोटो आप नहीं लगाएंगे, रिसेंट कोशिश ये करिए कि रिसेंटली आप फोटो खींच लें, वो ज़्यादा विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। बेटर ये है कि वाइट बैकग्राउंड में इसको फोटोज़ को लीजिए। और दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कैंडिडेट्स का सिग्नेचर भी अपलोड किया जाता है, मींस जो सिग्नेचर होगा वो कैपिटल लेटर में नहीं होगा, जिस हिसाब से आप सिग्नेचर करते हैं वही सिग्नेचर करेंगे। जो आपका फाइल साइज होगा 4 KB to 30 KB तक होगा। और इस तरह से अगर मैं बात करूं, इसके अलावा भी आपको लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन भी अपलोड करना पड़ेगा, मीन्स लेफ्ट अंगूठे का इम्प्रेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा। साइज जो रहेगा वो 10 KB to 50 KB। ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं छोटी छोटी बातें आपको बता दे रहा हूँ।
और क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, और उसका जो साइज़ है वो 100 KB to 400 KB है। ये तो रहा आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका? पेमेंट का होगा, मीन्स पैसे कैसे आप जमा करेंगे ऑनलाइन, और रिसिप्ट आपको कैसे मिलेगी, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो भी है जिसके थ्रू आप करना चाहते हैं आप कर लेंगे, और आपको एक स्लिप मिल जाएगी जिसके ये कन्फर्मेशन हो जाएगा कि आपने फीस जमा की है। एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद आपको पूरा डिटेल में दिख जाएगा, उसको चाहे तो डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर ले जो फ्यूचर में आपके काम आएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। जहाँ तक फीस की बात है तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1500, EWS OBC NCL के लिए 1400, और SC ST PWD ट्रांसजेंडर के लिए 800। तो दोस्तों ये रहा फीस स्ट्रक्चर। तो ये डिटेल में मैंने बताया आपको कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मूवी गुरु। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।